है? बॉल बियरिंग। जो बॉल बियरिंग है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है सिंगल रो बॉल बियरिंग, दो नंबर होता है डबल रो बॉल बियरिंग। अब हम लोग सिंगल रो बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल रो कुछ इस तरह होते हैं, कुछ इस तरह सिंगल रो बियरिंग होता है। ये मैंने रफ ड्राइंग किया है। इसकी खासियत क्या होती है? ये कम लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले लिख देते हैं कम लोड, दो जो इसकी जो भार पड़ता है वो सभी डायरेक्शन पर पड़ने के लिए इस रो को व इस सिंगल रो बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। भार चारों दिशा पर पड़े, इसलिए हम लोग ये सिंगल रो बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तीन, इसमें एक खांचे जिसे हम लोग केज कहते हैं, केज काटे कटे कटे रहते हैं। ओके दोस्तों, बस यही है सिंगल रो बियरिंग के बारे में। चलिए आते हैं डबल रो बियरिंग के बारे में। डबल रो बियरिंग के बारे में क्या है? कुछ नहीं, जस्ट ये डबल रो में ये बियरिंग होता है वो डबल होता है बस। तो डबल रो बियरिंग के बारे में, डबल रो बियरिंग जैसे नाम ही पता चल रहा है, इसमें दो खांचे कटे रहते हैं, सेकेंड पॉइंट है अधिक भार, और तीसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है जो लोड जो होता है लोड वह एक दिशा पर पड़ता है। दैट्स इट। अगले वीडियो में हम लोग